Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's try to answer the question why Indian television shows are so bad. अभी recently जो serial का काफी hype create हुआ था ना उसके बारे में बात करते हैं. इश्क में घायल. तो जिन्होंने भी Vampire Diaries देखा होगा उन्हें ये पता होगा कि पूरा स्टोरी लाइन उठा के यहाँ डाल दिया गया है. कहानी कॉपीड है, जस्ट दैट वैम्पायर्स के जगह भेड़िए के अराउंड ये कहानी रिवॉल्व होती है. कुछ शो के फैंस अभी भी डिनाइल में है, सेइंग दैट कि दोनों शोज अलग है. बट फीलिंग्स को अगर आप अलग रख के प्रैक्टिकली देखो ना एंड इनिशियल एपिसोड्स को थोड़ा एनालाइज करो तो क्लियर पिक्चर आपको दिख जाएगा. वैम्पायर डायरीज के इनिशियल कुछ एपिसोड्स को समराइज करो तो उसमें देखने मिला था कि एलिना फॉल्स फॉर स्टेफन जो एक वैम्पायर है. डेमन स्टेफन का भाई है जो स्टेफन को ब्लेम करता है कई चीजों के लिए एंड पोर्ट्रे ऐसा करता है दैट ही हेट्स हिम. बट एक्चुअली में दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार है. डेमन कैथरीन को एक टूम से वापस लाना चाहता है. एलिना कैथरीन की तरह दिखती है इसलिए डेमन का एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए. एंड इन दिस स्टोरी वर्वेन इज द हर्ब जो स्टेफन एलिना को देता है टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंपल्शन. अभी इश्क में घायल ये जो सीरीज है उसमें भी डिट्टो सेम थिंग इज हैपनिंग. कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टेफन इज अरमान, डेमन इज वीर, एलिना इज ईशा, कैथरीन इज काव्या, बॉनी इज महक, कैरोलिन इज चेरी, जेरेमी इज वियान. विकी करके भी एक लड़की है जिसपे बॉनफायर पार्टी के दिन अटैक होता है जैसे वैम्पायर डायरीज में दिखाया गया है. कैरोलाइन की मॉम लिज जो है ना वो पुलिस ऑफिसर थी टीवीडी में एंड इधर भी चेरी की मॉम इज अ पुलिस ऑफिसर. फाउंडिंग फैमिली का वहाँ कंसेप्ट था, यहाँ भी सीक्रेट सोसाइटी का एक कंसेप्ट है. बस अरमान यहाँ ईशा को ना शाम तुलसी देता है टू अवॉइड कंपल्शन. और जिस तरह एलिना वो सैड एंड जेरी में हैड इश्यूज ना वही स्टोरी लाइन यहाँ पे देखने मिला है. इतना ज्यादा रिजेम्बलेंस होने के बाद भी हाउ कैन शो मेकर्स एंड कास्ट डायरेक्टली डिनाई द फैक्ट कि ये शो वैम्पायर डायरीज की कॉपी नहीं है. That is absurd. बीच में करण कुंद्रा को जब पूछा गया कि what you have to say on this कि ये शो वैम्पायर डायरीज की तरह है तब इस पे ही had to say कि ये जो कैटेगरी है ना फिक्शन या फैंटेसीज का उसका ग्राफ इतना टाइट है कि कुछ भी स्टोरी लाइन हो आपको वो देख के ना आइकॉनिक शोज को याद आ जाएंगे जिस वजह से ऐसा लगता है कि वो कॉपी है. इन शॉर्ट ये जवाब से ऐसा लग रहा था that he wants to say कि ये जो कैटेगरी है वो इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है कि ज्यादा अलग अलग स्टोरी लाइन्स बना नहीं सकते. तो आई फील दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. उल्टा फैंटेसी एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे आप काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. आज मैं आपको बोलूंगा कि दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है तो आपको दीवार याद आएगी या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें थोड़ा सुपरनेचुरल डालेंगे. सो एज इट इज फैंटेसी फिक्शन जो है वो इतनी ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. इट्स बट नेचुरल. और ग्राफ इतना भी टाइट नहीं हो सकता ना कि सीन टू सीन सब सेम दिखेगा. इतना कोइंसिडेंस नहीं होता. चलो दो भाइयों की कहानी है जो भेड़िया है ना उसमें एक लड़की है. इतना ही सिर्फ रेजेम्बलेंस होता ना तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था कि दूसरे कैरेक्टर्स को खुद राइटर ने एफर्ट्स डाल के लिखा है एंड उन्हें बिल्ड किया है. बट यहाँ पे तो कहानी से लेके कैरेक्टर से लेके उनका बिहेवियर सब कुछ सेम है. जैसे इनिशियली कैरोलाइन को एक शैलो पर्सन की तरह पोर्ट्रेट किया गया था वैसे ही यहाँ पे चेरी के साथ किया गया है. दो बाद में के सीजन में अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था उसका बट पॉइंट इज कि इनिशियल एपिसोड्स ना पूरा सेम है. एंड करण कुंद्रा का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना कई लोगों ने कमेंट्स करके ये बोला हु टोल्ड द ग्राफिस्ट टाइप तुम एक एक सीन कॉपी करोगे एकदम डॉट टू डॉट तो कंपेयर तो करेंगे ना. फिर एक ने सवाल उठाया कि डॉपलगैंगर वगैरह का कंसेप्ट यहाँ कैसे आया. देन एक यूजर ने ये पॉइंट आउट किया कि इवन द स्टार्टिंग सीन इज सेम अबाउट एलिना हर बेस्ट फ्रेंड टू बिलोंग्स टू विच फैमिली एलिना टू लिविंग विद हर आंट एलिना टू हैड अ ब्रदर एंड हेलो ब्रदर पार्ट टू. आई मीन जस्ट लुक एट द कोइंसिडेंस. मे बी ये रिस्पॉन्स के बाद ना करण ऑल्सो अंडरस्टूड कि उसने ये सवाल को अच्छे से हैंडल नहीं किया. इसी वजह से आगे जाके जो भी इंटरव्यूज हुए हैं ना उसमें इतना ओपनली वो डिनाई नहीं कर रही है बात को कि ये शो वैम्पायर डायरीज की तरह है. कॉपिंग अ शो इज नॉट एन इशू अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है तो बट डिनाइंग अबाउट इट इज रॉन्ग क्योंकि पहले तो आप किसी और राइटर के मेहनत को क्रेडिट नहीं दे रहे अपना बता के उसे सेल कर रहे हो दैट इज नॉट फेयर. इसमें जो लोग कास्ट हुए हैं ना उनको आई वोंट ब्लेम क्योंकि उनके हाथ में नहीं है वो तो काम कर रहे हैं. एंड इंटरव्यूज के पहले ना उन्हें उनके प्रोड्यूसर्स वगैरह बोल देते हैं कि क्या बोलना है एंड क्या अवॉइड करना है. तो मे बी इनको भी बोला होगा दैट डोंट एक्सेप्ट दिस कि ये वैम्पायर डायरीज की कॉपी है क्योंकि एक्सेप्ट किया ना तो क्रेडिट के साथ साथ हो सकता है ओरिजिनल क्रिएटर्स को कुछ पैसे भी देने पड़े. मे बी इस वजह से पब्लिकली ये चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. हेंस आई डोंट ब्लेम द कास्ट बट राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर एट फॉल्ट हियर. बट फॉर दोज हु वुड स्टिल डिबेट ऑन दिस सेइंग दिस कि नहीं नहीं कॉपी नहीं है तो टेल मी कि इनिशियल एपिसोड्स में वीर जो अरमान को बोलता है कि तू मेरा जितना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इंसानों का खून नहीं पीता ये ओरिजिनल डायलॉग है. एंड कुछ लोग तो शो को डिफेंड करते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर ये वैम्पायर डायरीज की तरह लग रहा है तो देखो मत. तो पॉइंट सीरियल देखना या नहीं देखने का नहीं है, पॉइंट है कि चीजें अनफेयर हो रही है, किसी और का वर्क स्टील किया जा रहा है. सोचो इतना ओपनली बड़े बड़े राइटर्स के साथ अगर ये लोग कर सकते हैं तो बिहाइंड द सीन में जो राइटर्स रहते हैं जिनका इतना नाम नहीं होता उनका काम कितने बार इन्होंने लिया होगा विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट. सी आफ्टर अ पॉइंट देयर इज नो आर्ग्यूइंग. जो फैंस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते ना उनके सामने कुछ भी फैक्ट्स यू शो दे वोंट एक्सेप्ट इट.
एंड सीरियल्स का ये एक इशू है, इंडियन टीवी शोज जो ओरिजिनलिटी लैक करती है ना, ये एक बड़ा इशू है जिस वजह से इतना क्रिटिसाइज डेली सोप्स को किया जाता है। एंड अंडरस्टैंड दिस कि टीवी सीरियल्स के बारे में वी आर डिस्कसिंग एंड नॉट वेब सीरीज। वेब सीरीज आर डिफरेंट एंड आई वुड अग्री कि काफी अच्छे इंडियन वेब सीरीज पिछले कुछ सालों में रिलीज हुए हैं, पर टेलीविजन सीरीज का वही हाल है। कुछ लॉजिकल पॉइंट्स है इसके पीछे कि वाई सीरियल्स आर सो बैड। पहले तो काफी प्रेशर रहता है राइटर एंड शो के टीम के ऊपर, उन्हें एक साल के अंदर ना अराउंड 200 से भी ज्यादा एपिसोड्स फिल्म करना पड़ता है। दो इश्क में घायल मंडे टू वेनसडे एयर होता है, बट जनरली दूसरे जो सीरियल्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे एयर होते हैं, तो राइटर को ब्रेक ही नहीं मिलता जहाँ पे वो प्रॉपरली सोच पाए स्टोरी लाइन के बारे में। बैक टू बैक ही हैज टू राइट। कल एपिसोड का फिल्मिंग है तो एट टाइम्स एक दिन पहले राइटर वो सीन लिखता है। क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर्स इन दिस इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिहाइंड द सीन में जो लोग होते हैं ना, दे आर इजीली रिप्लेसेबल। सैड थिंग इज कि उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना मिलना चाहिए। डायरेक्टर या राइटर ने ज्यादा डिमांड्स किए तो दूसरे को हायर किया जाता है। जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं ना, उनका भी थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है कि एक सीरियल बनाओ, फटाफट अपना पैसा रिकवर करो, उसके बाद अगर सीरियल इतना अच्छा नहीं कर रहा उसे बंद कर दो, नया कुछ चालू करो, एंड इफ दैट सीरियल इज परफॉर्मिंग वेल देन खींचो उसको, स्ट्रेच करो स्टोरी लाइन को। देन बजट इशू भी होता है, एंड ये पहले बार नहीं हो रहा। इसके पहले भी कई सीरियल्स कॉपीड स्लैश इंस्पायर्ड थे वेस्ट के सीरियल से, जैसे कुमकुम भाग्य फ्रॉम सेंस एंड सेंसिबिलिटी। दो बाद में के सीजन्स राइटर्स ने खुद का स्टोरी लाइन बना के स्ट्रेच किया। देन करिश्मा का करिश्मा फ्रॉम स्मॉल वंडर, जैसी जैसी कोई नहीं फ्रॉम अगली बेटी, फिर प्यार की एक कहानी फ्रॉम ट्वाइलाइट। बट एटलीस्ट प्यार की एक कहानी में ना थोड़ा एफर्ट्स तो डाला गया था, इतना भी रिजेम्बलेंस नहीं था जैसे इश्क में घायल के क्रिएटर्स ने किया है उतना नहीं था। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की टेलीविजन इंडस्ट्री अच्छी कहानी बता नहीं सकती, ऑफकोर्स दे कैन डू दैट, बट वो लोग रिस्क लेना अवॉइड करते हैं। जो क्लीशे चीजें चल रही है वही दे पोट्रे। मालगुड़ी डेज जैसे क्लासिक सीरियल्स जो पहले दूरदर्शन पे आते थे, वैसे मास्टरपीसेस आज के एरा में मिसिंग है। एंड ये भी एनालाइज किया गया है दैट ऐसे टीवी सीरियल्स देखना इज वेरी सैडनिंग। लाइक थोड़ा लोग ना डिस्टर्ब भी हो जाते हैं जब वो लड़ाई झगड़े वाले सीरियल्स या सास बहू ड्रामा टाइप का सीरियल अपने घर में रोज देखते हैं तो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक टेंशन का माहौल एपिसोड में दिखाया जाता है एंड ब्रेन वही कंज्यूम करता रहता है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। पहले जब ऐसा इंटरनेट घर घर में नहीं था तब मोस्टली लोग पूरे टाइम सीरियल्स ही देखते थे। ये 90s में बहुत ज्यादा होता था, फिर ईयर 2000 में ही और होने लगा जब एकता कपूर ने वो सालों में ना बैक टू बैक सास बहू वाले सीरियल्स रिलीज किए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी देन कहानी घर घर की। एंड तभी लोगों में ना इतना अवेयरनेस नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू कॉन्स्टेंटली वॉच सच शोज। तो इस पे कभी डिबेट नहीं हुआ, लोग आराम से लंच या डिनर के दौरान ये सारे सीरियल्स साथ में फैमिली वालों के साथ देखते, एंड कहीं ना कहीं ये सीरियल्स की वजह से उनके घर में थोड़े झगड़े भी होते। रीजन बीइंग सीरियल में ऐसा पोर्ट्रे किया जाता कि सास का बहू पे डोमिनेट करना, उस पे चिल्लाना इज ओके। बहू को हमेशा आदर्शवादी होके पति की सेवा करनी चाहिए, फीमेल्स को मोस्टली ना सप्रेस करके दिखाया जाता। एंड इसी वजह से इफ यू सी तब के लोगों का बिहेवियर भी थोड़ा अलग था। उस जमाने का कभी न्यूज़पेपर पढ़ना या अपने पेरेंट्स को पूछना तब का कल्चर, तब आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि घर में झगड़ा होना वाज समवेयर नॉर्मलाइज्ड, सास एंड बहू के बीच में झगड़ा होना वाज नॉर्मलाइज्ड। हस्बैंड अगर गलत वे से डोमिनेट कर रहा है वाइफ पे, स्टिल उसके इन-लॉज जो है ना वो वाइफ के सपोर्ट में नहीं जाते थे, क्योंकि अगेन सीरियल्स ही ये बताता था दैट इट इज फाइन। बट नाउ दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड, अभी वी हैव द ऑप्शन टू कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। सिर्फ वही रोने धोने वाले टीवी सीरियल्स ही देखना है ऐसा नहीं है, वी हैव टू मेनी ऑप्शंस, हेंस वो थिंकिंग अभी चेंज हुआ है। बट कुछ डिकेड्स पहले ये लग्जरी नहीं था फैमिलीज के पास, उनके पास वो ऑप्शंस ही नहीं थे, तो वी हैव कम अलॉन्ग वे। बट इंडियन सीरियल्स जो है ना वो आई स्टिल फील 90s के दौर में ही अटके हुए हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डू लेट मी नो कि इश्क में घायल ये जो सीरियल है इस पे आपका क्या कहना है, कि आपको भी ये लगता है कि पूरा वैम्पायर डायरीज का सीन यहाँ पे रिक्रिएट करने का ट्राई किया गया है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।